बस 5 दिन दूर दिल्ली मुंबई में कोरोना लहर की तीसरी पीक आने वाली है। वायरस की रफ्तार डरा रही है, सावधान रहने की दरकार है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के बाद पाबंदियों की नई किश्त जारी कर दी। डीडीएमए ने निजी दफ्तरों पर ताला लगाने का आदेश दे दिया। अब प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारी घरों से काम करेंगे। दिल्ली के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक लग गई। अब सिर्फ रेस्टोरेंट से खाना ले जाने की इजाजत होगी। अगले आदेश तक बार का शटर भी गिर गया। जरूरी सेवा वाले दफ्तर को पाबंदी से छूट दी गई है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000-11,000 ICUs हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं। दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए योग का पैकेज भी लेकर आई है। इन मरीजों को योग से कोरोना की जंग जीतने का गुर सिखाया जाएगा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक योगा की क्लास होगी, जिसका लिंक मरीजों के मोबाइल पर भेजा जाएगा। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। जो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस कल के मुकाबले घटे हैं। मुंबई, जो दिल्ली से कोरोना की रेस में लगी थी, वहां भी कोरोना के मामले कम हुए। आंकड़ों में देखें तो 24 घंटे में दिल्ली में कल 22,751 केस आए थे, जो आज घटकर 19,166 हो गए। इसी तरह मुंबई में एक दिन पहले 19,474 नए केस मिले, जो आज कम होकर 13,648 तक आ गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर और स्थिति अब भी काफी गंभीर बनी हुई है, और गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल 25% तक पॉजिटिविटी रेट चला गया है, यानी हर 4 में से एक मरीज पॉजिटिव आ रहा है। दिल्ली मुंबई ही नहीं, देश में कोरोना का ग्राफ एक दिन में अचानक नीचे मुड़ गया। अब जरा 3 बड़े राज्यों का हाल देख लीजिए। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में अब भी सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ भी एक दिन में नए केस अचानक नीचे आ गए। महाराष्ट्र में कल 44,388 नए केस मिले, जो अब घटकर 24 घंटे में 33,470 हो गए। बंगाल में, जहाँ पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है, वहाँ भी कोरोना की चाल थोड़ी मंद पड़ी है। एक दिन पहले 24,287 नए केस मिले, जो घटकर 19,286 तक आ गए। दिल्ली तीसरे नंबर पर बनी हुई है, यहाँ भी केस में फर्क है। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वीकेंड को, यानी कि शनिवार और रविवार को जो टेस्टिंग है वो कम हुई है, साथ ही अब ज्यादातर लोग घर में ही टेस्ट करा रहे हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए जो टोटल केसेस मुंबई में आ रहे हैं वो कम नजर आ रहे हैं। तो बीएमसी का ये कहना है कि इसे हम ये नहीं कह सकते कि मामलों में गिरावट हो रही है, वो और कुछ दिनों तक जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर करेगी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की जो पहल है वो जारी रखेगी, जिसके बाद ही ये आकलन लगाया जा सकता है कि क्या मामलों में कमी आई है या मामले ज्यादा हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना केस में कुछ फीसदी की कमी जरूर आई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि खेल टेस्ट वाला भी है। एक दिन में कोरोना के टेस्ट में आमूल चूल कमी आई है। जहां कोरोना विस्फोट है, उन इलाकों में टेस्ट का हाल देख लीजिए। दिल्ली में 9 जनवरी को 96,678 टेस्ट हुए, तो वहीं 10 जनवरी को घटकर
76,670 हो गए। मुंबई में भी टेस्ट में कमी आई, यहां एक दिन में 68,249 से घटकर कोरोना टेस्ट 59,242 हो गए। बंगाल में तो एक दिन में 20,000 से ज्यादा टेस्ट कम किए गए। एक्सपर्ट अभी मान रहे हैं कि पीक अभी बाकी है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का गणितीय समीकरण तो ये बताता है कि देश में तीसरी लहर का पीक आने में अभी 10 दिन बाकी है। दिल्ली मुंबई भी पीक से 5 दिन दूर है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विशेष रूप से मुंबई में। तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। तीसरी लहर कम मारक है, लेकिन कम क्या हो कोई नहीं जानता, इसलिए जरूरी है कि लापरवाही से बचिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। जो प्राइमरी जो डिजीज है, जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकेंड वेव में कि वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जो बहुत ज्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था और जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, इस बार वो स्थिति नहीं है। थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है और हमें ज्यादा अलर्ट रहना है, ज्यादा हमें तैयारी पहले के मुकाबले ज्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्सेज। कोरोना की नई लहर कम घातक जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार हर किसी को हैरान कर रही है। पहली लहर में 1,00,000 केस आने में 120 दिन लगे थे, दूसरी लहर में 1,00,000 केस रोज आने में सिर्फ 50 दिन लगे, लेकिन इस बार तो 10 दिन में ही कोरोना हर रोज 1,00,000 को बीमार करने लगा। इस बार कोरोना की मारक क्षमता नहीं, रफ्तार डरा रही है, इसलिए सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, मास्क जरूरी है, दूरी भी जरूरी है। दिल्ली से कुमार कुणाल, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।